Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Commerce Tuitions. आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क, डिवीजन ऑफ बिजनेस और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, एंड नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कुछ जो टॉपिक है वो ये नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। लिटरली सेंस में बिजनेस का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब कुछ जो एक्टिविटीज होती है उसमें अपने आप को बिजी करना। टेक्निकली मतलब इसका यह है कि जितने भी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होते हैं उसमें हम गुड एंड सर्विसेज को पीपल को प्रोवाइड करते हैं, और मेन जो एम हमारा होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना है। तो हमारा जो टेक्निकली मीनिंग है वो बिजनेस का ये है। अब कुछ जो एक्टिविटीज है वो हम बिजनेस से एक्सक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन है सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज। सोशल सर्विस एक्टिविटीज का मतलब है कि जब हम कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज से ये इन्वॉल्व है, जिसका मेन एम होता है कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका मेन एम ये होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता है। तो इस काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो होंगी वो हम बिजनेस से एक्सक्लूड करेंगे। लाइक हम फ्री हॉस्पिटल खोल देते हैं, लाइक आप शौकत खानों को देख ले, ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वेलफेयर हॉस्पिटल है पुअर पीपल के लिए। फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप खोल दे या आप कोई फ्री सर्विसेज दे दे। तो ये जो होती है कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें फ्री सर्विसेज दिए जाते हैं, लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाते हैं, तो ये सर्विसेज टाइप हो गई। या कोई किसी भी इंस्टीट्यूट को दे दे वो मेरिट जो स्कॉलरशिप होती है वो दी जाती है, तो ये सोशल एक्टिविटीज हो गई। और इनका मेन एम ये है कि ये प्रॉफिट को नहीं जनरेट करेंगे। इस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस से एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल कंजम्पशन एक्टिविटीज़। कोई भी हम परचेजिंग करें या कोई हम गुड या सर्विसेज अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले, उसको हम बिजनेस स्कोप ऑफ बिजनेस से एक्सक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई शू मेकर हो गया है, वो कोई शूज अपने लिए बनाएगा तो वो बिजनेस में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। या कोई टेलर हुआ, वो अपने लिए कोई जो ड्रेस होगा वो स्टिच करेगा, तो उसको भी हम बिजनेस में से एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड अदर एक्टिविटीज। इसमें वो तमाम एक्टिविटीज आ गई। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो तो वो अपने लिए रिलीजियस होता है, किसी और के लिए नहीं होता। या उसको अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन है तो वो उसका अपना ज़ाती एक वो है, तो उसको इन तमाम चीज़ें को या किसी बंदे को बाहर डिनर के लिए की जाती है, ये तमाम चीज़ें होंगी। ये इनका मेन जो पर्पस होगा वो बिजनेस को अर्न करेंगे। इसका ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे स्टेट ऑफ बिजनेस से। नेक्स्ट है इलीगल एक्टिविटीज। इट्स मीन इलीगल, हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी चीज़ें होंगी वो इलीगल होगी, उसको एज अ बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। इलीगल एक्टिविटीज में स्मगलिंग हो गए या सेल ऑफ हीरोइन हो गए, या हम कोई ड्रग्स का बिजनेस खोल दें, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इलीगल हैं और अनबेनिफिट हैं, तो ये बिजनेस स्कोप ऑफ बिजनेस में कंसीडर नहीं किया जाएगा और एक्सक्लूड किया जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या मेन डेफिनेशन है और कौन कौन सी खासियत बिजनेसेस के हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन या तो वो सेल करती है अपनी गुड्स को या मैन्युफैक्चरिंग करती है या सर्विसेज देती है, तो ये तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अब कुछ जो खासियत है वो ये है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लेता है, एक बिजनेस स्टार्टअप करता है, और उनका बेसिक एम होता है कि वो रिस्क में भी इन्वॉल्व होगा, प्रॉफिट में भी इन्वॉल्व होगा। वो एक स्मॉल आइडिया से स्टार्टअप करता है, इसी तरह वो ग्रो करता है और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है।
वो बंदा सोल प्रोप्रेटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी होता है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। नेक्स्ट है डील्स इन गुड एंड सर्विसेज। बिजनेसेस ये है कि वो गुड एंड सर्विसेज दोनों में डील कर सकते हैं। यहाँ पे गुड्स का मतलब है लाइक कंजम्पशन गुड्स हो गई, बटर ब्रेड जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो गई, इसी तरह सर्विसेज में टीचिंग हो गई, डॉक्टर हो गया या बैंकर हो गया, एडवर्टाइजमेंट कंपनी हो गई, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सर्विसेज है। इट इज़ अ काइंड ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है इन्वॉल्व प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट्स मीन कि वो प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड में वो इन्वॉल्व होते हैं। इनका बेसिक एम होता है कि वो मनी अर्न करें। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ डील्स। अब बिजनेस का ये मतलब है कि जो बिजनेस होता है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा हो गया, वो किसी मार्केट में अपनी बुक को सेल आउट करता है, तो ये बिजनेस नहीं हुआ, बल्कि बिजनेस एक प्रॉपर सेटअप होता है और वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट है डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का प्राइमरी जो एम है, प्राइमरी एम जो बिजनेस का है वो है अर्न प्रॉफिट। अगर बिजनेस से प्रॉफिट को ख़त्म कर दिया जाए तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं रहता। नेक्स्ट है इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क का हाई चांस होता है, बिकॉज जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्टअप करता है तो उसको पता नहीं होता कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, कितना लॉस होगा। फॉर एग्जांपल हम एक फैशन डिज़ाइनिंग को ले लें, तो फैशन का ट्रेंड चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में उसको लॉसेस हो सकता है। या कोई और बिजनेस को ले ले, या उसके कंडीशन उसका चेंज हो, तो इसी तरह गुड्स की डिमांड और सप्लाई में कमी बेशी आ जाए तो इसी तरह उसको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, कि बिजनेस की क्या अहमियत है आज के दौर में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पहले जो टाइम होता था उसमें सिर्फ लोग अपने लिए गुड्स जो बनाते थे वो अपने लिए बनाते हैं, अपनी जो नेसेसिटी थी वो अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए बनाती थी, और या अपनी फैमिली मेम्बर की यूज़ होती थी उसके लिए बनाती थी। पहला ये दौर चला था, फिर टाइम पास हो रहा था, उसके बाद जो क्या हुआ, बिजनेसेस कंडक्ट हो गए। अब किसी की वो क्या, जब बिजनेसेस कंडक्ट हो गए, पहले टाइम में बार्टर सिस्टम क्रिएट किया गया था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास गाय है और उसकी नीड है वो, उसकी जो नीड है वो है ब्रेड है। अच्छा, बार्टर सिस्टम में ये होता था कि एक अपनी चीज़ अपनी नीड को फुल करने के लिए एक्सचेंज किया जाता था। एक बंदे की जो नीड है वो ब्रेड है, दूसरे बंदे की जो नीड है वो किसी भी एनिमल को परचेज करना था। तो ये जो बंदे थे ये आपस में एक्सचेंज कर देते थे, एक उसको ब्रेड दे देते हैं और दूसरा क्या कर देता कि उसको एनिमल दे देता था। बट यहाँ पे एक जो लिमिटेशन थी वो ये आ गई थी कि उनकी वैल्यू को वो सही तरह मैयट नहीं कर सकते थे कि ब्रेड की क्या वैल्यू है एंड उसकी क्या वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया है कि क्वाइन क्रिएट हुआ। जब क्वाइन क्रिएट हुआ तो उससे क्या हुआ है कि बिजनेसेस डेवलप्ड हो गए, तो बिजनेसेस एक्सपेंड हुए हैं, रूरल और अर्बन एरिया दोनों में बिजनेस एक्सपेंड हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ गई। जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ गई तो इससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्रिएट हुए हैं। तो इसी तरह एक बिजनेसेस का सिस्टम क्रिएट हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रीज खुल गई, मशीन्स आ गए, तो एक सिस्टम स्टार्टअप हुआ। ये जो बिजनेसेस का जो बैकग्राउंड है ये सारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि किस तरह हेनरी फिनियोल आ गए, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, ये सारा उसी से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बिजनेसेस के आज के दौर में कौन सी इम्पोर्टेंस है और एक किस तरह एक जो बार्टर किसी तरह जो बार्टर सिस्टम से किसी तरह सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, तो ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस है वो है मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि हम अपने स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करके वो रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा कम हो
उसको हम यूज़ करके और से हम लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये तब होगी जब हमारे पास अच्छी मैनेजमेंट होगी। तो जब मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हमारे जो प्रोडक्ट होगी वो एफिशिएंट होगी और इफ़ेक्टिव होगी। जैसे कि हम ऑटोमेटिक मशीन्स को लेते हैं या न्यू, वो क्या करते हैं कि न्यू, जैसे कि जापान को ले लें, वो न्यू मटेरियल यूज़ करते हैं, न्यू प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, तो उनका जो कॉस्ट होती है वो कम से कम होती है, जो प्रोडक्ट होती है वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज फर्स्ट क्लास होती है। तो ये है मास प्रोडक्शन ऑफ गुड। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। इट्स मीन जितने भी आज के दौर में बिजनेसेस होते हैं वो जो कस्टमर्स के जितने भी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन होती हैं उसके मुताबिक वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो राइट टाइम पे और रिजनेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उनका बेसिक पर्पस होता है कि वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो कस्टमर्स के टेस्ट के मुताबिक हो, और इसी तरह ये जो बिजनेस होते हैं वो एक्सपेंड होने लगे। एक जो बिजनेस होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गए। फॉर एग्जांपल आज चाइना जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ वो अपनी मार्केट तक नहीं होती बल्कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका प्रोडक्ट एक्सपेंड होता है। और जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी आप किसी भी प्रोडक्ट को देख ले उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो उसी तरह बिजनेसेस उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन कि टाइम टू टाइम आप अपनी चीज़ को अपडेट करते हैं, आउटडेटेड नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि आप अपने प्रोडक्ट में न्यू इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं, न्यू प्रोडक्ट अपने उसको लॉन्च करते हैं। जैसे कि आप आईफोन को ले लें, आईफोन में कितनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है। आज जो ऐसा आईफोन क्रिएट हुए जिसमें 3 कैमरे हैं, इसके बाद जो आईफोन लॉन्च होगा पता नहीं उसमें और क्या चेंजेस की होगी, क्या इनोवेशन है। ये सिंपल एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि आप पेट्रोल की जगह आप सीएनजी यूज़ करें। थर्ड मोबाइल है, सिंपल एग्जांपल है कि आप जब कोई भी यूटिलिटी बिल हो गए या घर के जितने भी बिल्स हो गए वो अगर आपने पे करने होते थे तो आप जाके आपने देने होते थे, लेकिन बैंक में जाके सबमिट करना थे, लेकिन आजकल आपके पास मोबाइल है, डिजिटल मोबाइल है, उसी पे एक क्लिक से आप अपने जो बिल्स होते हैं वो सबमिट कर लेते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। तो आज जो अपने सब क्या करते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इनोवेशन लाते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो क्रिएट ना हो बल्कि उनको आसानियाँ मिले। बिजनेस को जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जो आज के दौर में अगर हमारी कम्युनिकेशन ना होती, फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेशन ना होती या इंटरनेट ना होता तो कोई आज मैं ये लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकती, या मैं कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकती। आजकल जो व्हाट्सएप है, स्काइप है, पहले जो होता था वो बहुत मुश्किल होता था, क्रेडिट डाला जाता था एंड कॉल किया जाता था आउटसाइड द कंट्री, लेकिन आजकल ये नहीं होता बल्कि विद इन द मिनट हम एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं। इसी तरह जो दूसरा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, अगर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सही नहीं होता था, अगर ट्रांसपोर्ट सही नहीं है तो हम अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरह अगर हमारी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सफिशिएंट हो, बिल्कुल ज़बरदस्त हो, कारपेटेड रोड हो, तो हम राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। अगर जो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये बिजनेस को एक्सपेंड करने में सबसे इनका ज़बरदस्त रोल है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक्स। ओके, इसका मतलब ये है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्रेडिट देते हैं। जब उनको क्रेडिट मिलता है तो वो आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को ले रहे, उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट स्कीम रखी होती है, ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट स्कीम रखी होती है, कोई प्रोड्यूसिंग या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए उनके लिए उन्होंने डिफरेंट पैकेज रखे होते हैं। तो जो उनका बेसिक एम होता है कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे और प्रॉफिट जनरेट करे, तो इसका कंट्री को भी फ़ायदा है, बिजनेसेस को भी फ़ायदा है एंड बैंक को भी फ़ायदा है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसेस से क्या होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा एंटरप्रेन्योर है और वो एक बिजनेसेस को स्टार्टअप करता है। एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं तो जब फॉर एग्जांपल एक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है वो एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बिजनेस क्रिएट किया है स्कूल का,
तो क्या हुआ, जितने भी वो अपने एम्प्लॉयर रखेगा तो वो सब टीचर्स को हायर करेगा, तो क्या हुआ, उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। तो इसी तरह उसने कंट्री के में भी कंट्रीब्यूट किया, उसके बिजनेस को भी बेनिफिट हुआ, उसका बिजनेस भी ग्रो होने लगा और उसने प्रॉफिट भी वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट है बिजनेसेस सप्लाई सर्विसेज। जितने भी सर्विसेज हो गई वो सब पार्ट ऑफ बिजनेसेस है। फॉर एग्जांपल जितने भी आज के दौर में सर्विसेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जितने भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हो गई वो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि वो फैसिलिटेट करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को, और वो कस्टमर्स तक उनका जो फाइनल रोल होता है कि कस्टमर तक वो प्रोडक्शन एंड गुड एंड गुड्स को पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल जो मेजर सर्विसेज हो गई वो हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, मेडिकल एंड हेल्थ हो गई, लीगल इंजीनियरिंग और अदर जो प्रोफेशनल्स हो गई, ये तमाम सर्विसेज का पार्ट है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जितने भी बिजनेसेस हैं उनका जो बेसिक एम है कि रेवेन्यू को जनरेट करना है, और जिससे वो जो रेवेन्यू होती है वो एक बिजनेस का बेसिक एम होता है। अब जो बिजनेसेस क्या होती है कि वो प्रॉफिट को अर्न करती है, और इससे गवर्नमेंट को बैक पे गवर्नमेंट को एक फ़ायदा है। गवर्नमेंट क्या करती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं कि वो जो क्या करते हैं बिजनेसेस पे कुछ टैक्सेस लगाते हैं, उसी से जो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट वो टैक्स लेके और वो वेलफेयर एंड जो आगे यूथ होती है उस पर लगाती है। तो इससे एक रेवेन्यू जनरेट होती है और डेवलपमेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे बिजनेसेस हमारी एक्सपेंड होने लगती है तो ये अर्बनाइजेशन में हेल्प करती है। जितनी भी सिटीज़ होती है वो ग्रो होने लगती है और सोशल लाइफ ऑफ मैन होती है वो चेंज होने लगती है। तो बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आज के उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक जगह है वो बहुत ज़्यादा लाइक वहाँ पे कोई है नहीं, वहाँ पे हम एक इंडस्ट्री को खोलते हैं, एक बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट डालते हैं, तो इसी तरह वो जगह आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगती है। तो इसी तरह जो सिटीज़ है वो इसी तरह जो बिजनेस है वो अर्बनाइजेशन में हेल्प करने लगती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड थी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेसेस का पर्पस जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मतलब ये है कि बिजनेस का क्या पर्पस है। अब बिजनेस का हम कहते हैं कि बिजनेस का ये पर्पस है कि वो प्रॉफिट को जनरेट करे और लॉसेस को अवॉइड करे। यूरिक एक इकोनॉमिक्स है उसके मुताबिक ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह जो बिजनेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी नहीं है। उसने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, और इन तीन कैटेगरीज को हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, अगर हम इकोनॉमिकली बिजनेस को लेते हैं तो फर्स्ट वन है प्रॉफिट अर्निंग। फर्स्ट वन जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोड्यूस करे, अपने गुड्स को सेल आउट करे और जो ह्यूमन वांट है उसकी जो सेटिस्फिकेशन है वो फुलफिल करे। तो ये हो गया प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट अर्न करे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग मार्केट। अपने जो बिजनेसेस होते हैं वो अपना मार्केट को क्रिएट करें, अपना जो कंज्यूमर कस्टमर्स का जो पोर्शन है उसको लार्ज करें, अपने प्रॉफिट को भी लार्ज करें। इनोवेशन में ये आ गया, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है अभी भी पढ़े कि इनोवेशन का मतलब है ये है कि अपनी प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाना, मतलब अपने जो प्रोडक्ट होगा उसको अपडेट करना, आउटडेट ना हो, लाइक उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ जाती है, या उसमें ये भी होता है कि हम जो रिसोर्सेज होते हैं स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उसको हम अच्छी तरह यूज़ करके और एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है इसका मेन वो है कि हम क्या करें कि हम सोशली सही प्रोडक्ट को प्रोवाइड करें। फर्स्ट वन है
कि सप्लाई ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड, इसका मतलब ये है कि जो जितने भी बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड को अच्छी तरह प्रोड्यूस करें एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी दें। अगर वो अपने प्रोडक्ट अच्छी तरह, उनके जो जितने भी इंटरप्राइज है वो अपने प्रोडक्ट को इन्फीरियर रखेंगे और अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसके अपने बिजनेस को नुकसान होगा, क्योंकि हर बंदा एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को चाहता है। नेक्स्ट है अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। जितने भी हमारे एंटी सोशल प्रैक्टिसेस होंगे, जितने भी बिजनेस होंगे, अगर वो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए, लाइक ब्लैक मार्केटिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई, ओवर चार्जिंग हो गई, किसी भी प्रोडक्ट के वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि वो जो बिजनेसेस की जो मेन जो खासियत होगी वो अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। इट्स मीन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट का मतलब है जितने भी बिजनेस है वो अपने आप को रजिस्टर करें गवर्नमेंट के साथ, और वो जो जितने भी टैक्स होंगे वो रेगुलरली या पीरियडिकली जो उनका टाइम पीरियड हो उसके मुताबिक वो पे करें। तो इससे क्या होगा कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक कंट्री में और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको फर्दर कंट्रीब्यूट कर रहा है, फर्दर गवर्नमेंट जो कंट्री है, कंट्री के यूथ है, कंट्री के लोग हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जितने भी वो होंगे बिजनेसेस होंगे वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे दें। इससे क्या होता है कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। जितने भी कंट्रीज अपने जितने भी बिजनेसमैन होंगे वो अपने ही कंट्रीज में वो इन्वेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा से अच्छा होगा। अगर वो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम से कम होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आल्सो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी कम होगा। सो इट्स ऑल अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ओके, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस। अगर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सही तरह काम नहीं करेगा तो जितने भी बिजनेस होंगे वो कलेप्स हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई भी बिजनेस अच्छी तरह काम नहीं करेगा। तो इसी तरह जो बिजनेस हो गए, बिजनेसेस में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक एम्प्लॉय होती है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आइडिया को जनरेट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वो काम करता है। इसी तरह ह्यूमन फैक्टर होते हैं, इसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ये है कि जो एम्प्लॉय होता है वो किसी भी बिजनेस में काम करे तो जो उसका वो हो, बॉस हो, वो उसको अच्छी तरह रिवॉर्ड करे, उसको सही तरह पे दे, या उसको वेज हो उसका सही तरह प्रॉपर ट्रीट करे, उसके साथ कोई अनफेयर काम ना करे, कोई ना इंसाफी ना करे। तो इसी तरह क्या होगा कि उसका जो बिजनेस होगा वो विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ करेगा, और उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो हेल्दी क्लाइमेट हो, लाइक जो एम्प्लॉय होगा उसके जो उसमें न्यू स्किल्स, न्यू एबिलिटीज डेवलप करने चाहिए विद टाइम टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उनका उनको अच्छे सब कुछ सारी जो उनका जो हक है उनको अदा करने चाहिए। तो ये सब है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड है, और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में ये तीनों चीज़ें आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओके जो नेक्स्ट है वो है डिवीजन ऑफ बिजनेसेस के। बिजनेस डिवीजन ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि जितने भी बिजनेस होते हैं, प्रोडक्शन होती है या सर्विसेज होती है, इसको डिवाइड किए, क्योंकि बिजनेस हमारे पास एक वाइड स्कोप है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देन हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये बिजनेस का ही एक पार्ट होती है, जिसका काम ये होता है कि ये एक्सट्रक्शन करे, प्रोडक्शन करे या फैब्रिकेशन करे। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री की नेचर होती है वो दो टाइप की इनकी नेचर होती है, एक जो होता है एक कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है और एक कैपिटल इंडस्ट्री होती है, या प्रोड्यूसर इंडस्ट्री भी हम इसे कहते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी गुड वो प्रोड्यूस करे उसका अल्टीमेट पर्पस हो कि ये फाइनल कस्टमर तक ये
प्रोडक्ट रीच आउट हो। तो इसको फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ होता है, वो एक प्रोसेस से हो के गुजर जाता है, एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वो प्रोड्यूसर गुड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री, तो उसमें सारी मशीनरी पड़ी हुई है, तो वो जो मशीनरी होती है वो किसी भी गुड को आगे फुली प्रोसेस करके और वो उसका जो एम होता है कि वो वेल्थ को जनरेट करे, तो इस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं कंज्यूमर, या नहीं, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज की कुछ टाइप है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। ये कुछ टाइप्स है। फर्स्ट वन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अच्छा, जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे नाम से ही जाहिर है, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब है कि जितने भी चीज़ें ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे हो, उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जाके इंडस्ट्रीज में पड़ जाती है, तो उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइंस हो गई, अब माइंस में हमारे पास कोल माइन हो गया, सॉल्ट माइन हो गया, गोल्ड माइन हो गया, टेन हो गया, कॉपर हो गया, ये हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें फिशरीज हो गई, फिशरीज हम क्या करते हैं, किसी से हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ये तमाम स्ट्रक्चर जितने भी इनका ये जो कलेक्शन है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, जैसे कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज नाम से जा रहे हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन मल्टीपल टाइप ऑफ जो स्पीशीज होते हैं वो सेल आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेल आउट होते हैं वो उनका एम होता है कि प्रॉफिट को जनरेट करें। अब यहाँ पर जेनेटिक जो इंडस्ट्रीज होती है, इसमें कैटल आ गई, पोल्ट्री फार्म्स आ गई, प्लांट नर्सरीज आ गई, ये सारी एग्जांपल्स जो हो गई ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज की हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज नाम से ही जाहिर है कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये सब एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती है कि हम रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड में डालते हैं, फिर उससे हम फिनिश फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शूज़ की कंपनीज को देख लें, इंडस्ट्रीज को देख लें, जितने भी क्लॉथ इंडस्ट्रीज हो गई उसको देख ले। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो ये सारी एग्जांपल आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब सर्विस इंडस्ट्रीज में, सर्विस इंडस्ट्रीज का तमाम जो काम है वो इंटेंजिबल गुड्स है, जिसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें डॉक्टर्स आ गए, लॉयर्स आ गए, टीचर्स आ गए, ये तमाम इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है कि ये एक बिजनेसेस का एक पार्ट है, इसका जो काम है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। अब जो कॉमर्स है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज ट्रेड एंड अनदर इज एक्ट टू ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेड का मतलब ये है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड हम जब तिजारत करते हैं, या ये ट्रेड हम इंपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं या एक्सपोर्ट ऑफ गुड करते हैं। इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गई, ये रिटेलर बेसिस पे भी आ सकती है और होलसेलर बेसिस पे आ गई है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है या कैटेगरी है वो एड टू ट्रेड है। एड टू ट्रेड में फिर डिफरेंट क्लासीफाई की गई है कि इसका क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, इंश्योरेंस आ गई, वेयर हाउसिंग आ गई, बैंकिंग आ गई, एडवर्टाइजमेंट आ गई, मर्केंटाइल एजेंट्स आ गए, ये तमाम जो सर्विसेज हो गए कि इससे ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि हम फैसिलिटेट करते हैं किसी भी गुड को परचेज करने में या सर्विसेज को करने में, इसको हम एड टू ट्रेड करते हैं कहते हैं। और इनका काम जो क्या करना है, ये जो एड टू ट्रेड है, ये जैसे मैंने बताया है कि ट्रांसपोर्ट हुआ, ये क्या करता है, बिजनेस को एक्सपेंड करता है। वेयर हाउसिंग हो गई, ये बिजनेस को एक्सपेंड, अगर हमारे पास वेयर हाउसेज ना होती तो क्या होता, हम अपने जो फाइनल प्रोडक्ट हो गए या रॉ प्रोडक्ट हो, वो हम उसको सेव नहीं कर सकते। अगर हम ये चीज़ें सेव नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट जो और क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा। अगर बैंकिंग ना होगी तो क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया जाता, या किसी भी किसी का डिपॉजिट हम सेफ नहीं कर सकते थे। एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज नहीं होती तो हम अवेयरनेस कैसे लोगों में लाएंगे अबाउट किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बिजनेस को एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ओके, नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क।
बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि बिजनेस को किसी किस्म का लॉस हो और वो लॉस अनफॉर्सिनेबल हो, मतलब उसको पता नहीं हो कि किस टाइप का इवेंट इसके साथ होता है। तो ये है हमारे पास, फ्यूचर में कोई भी उसके साथ लॉस होता है या कोई भी उसके प्रोडक्ट को किसी किस्म का ख़तरा होता है या डेंजर उसको मिलता है, तो इसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क की कुछ कॉजेज हैं, या तो नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल या सैलाब आ गया, या जलजले सदकान आ गया, या उसके प्रोडक्ट को ये क्या है आग लग जाती है, फायर लग जाती है, तो ये एक नेचुरल फैक्टर है, कुदरती तौर पर उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। अब एक स्टिफ कंपटीशन चल रही है सेल ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी मार्केट में एक कंपटीशन चल रही है, तो उसको तो पता नहीं होता कि फ्यूचर में किस किस्म के प्रोडक्ट में उसके साथ रिस्क आ सकता है। तो ये जो कंपटीशन आती है कि क्या होती है कि कुछ क्वालिटी या क्वांटिटी में भी कंपटीशन आ जाती है, या उसके सब्स्टिट्यूट निकल आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो ये हमारे पास एक रिस्क है। दूसरा है मिसमैनेजमेंट। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सही तरह मैनेज नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, कोई लीडर उसमें नहीं होगा, तो ये अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें प्लान नहीं होगी, तो ये मिसमैनेजमेंट कंसीडर करेगी और ये किसी भी कंपनी के लिए रिस्क होती है। फिर नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। जब किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आ जाए, तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। और ये बिज़नेस को, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल्स का जो दौर आजकल चल रहा है कि कोई दूसरा मोबाइल, किसी भी कंपटीटर्स होते हैं, एक जैसे आईफोन को ले लो, सैमसंग को ले ले, तो आईफोन क्या करता है कि हर साल में वो एक अपने इनोवेशन प्रोडक्ट में लाते हैं, अपने प्रोडक्ट को न्यू से न्यू अपडेट कर रहे होते हैं, तो दूसरे जो कंपटीटर क्या करता है उसके लिए वो एक डिमांड आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि उस लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाता है या यूज़ में चेंज आ जाता है, तो उसके लिए एक रिस्क बन जाता है। अब है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एकदम चेंज हो गए, जैसे कि आज के दौर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गए, उन्होंने कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस लगा दिए हैं, तो ये भी बिजनेस के लिए एक बड़ा रिस्क है। दूसरा फैक्टर है ह्यूमन कॉस्ट। किसी भी बिजनेस के लॉस होने में ह्यूमन कॉसेस बहुत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनमें तीफ आ जाए या उसके प्रोडक्ट को किसी भी सॉफ्टवेयर को ले ले वो चोरी हो जाए, उसका कॉपीराइट चोरी हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो भी हमारे पास टॉप हैवी मैनेजमेंट हो वो मिसबिहेव करे या मिसमैनेजमेंट करे, तो ह्यूमन फैक्टर की वजह से भी बिजनेसेस को काफ़ी रिस्क पहुँच सकता है। तो ये जो सारी कैटेगरीज थी या कॉसेस थे, ये बिजनेस रिस्क से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये है डिफरेंस बिटवीन बिजनेसेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसेस का हम डिफरेंस देखेंगे प्रोफेशन से और एम्प्लॉयमेंट में। फर्स्ट वन है अलाउफुल बिजनेस इज एस्टेब्लिश व्हेन डिसीजन इज टू कैरी ऑन द बिजनेस इज अंडरटेकन। जो बिजनेसेस होते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होते हैं, लॉस के मुताबिक होते हैं, और एक डिसीजन लिया जाता है जिसका एम होता है कि ये जो क्या करे प्रॉफिट जनरेट करे। फिर उसकी कुछ वो है डिफरेंसेस है। फर्स्ट ये है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी बंदे के साथ कोई भी क्वालिफिकेशन ना हो लेकिन उसके साथ टेक्निकल उस जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हो तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो कौन सा बिजनेस हो, लाइक वो क्लॉथ बिजनेस हो या उसका बिजनेस कोई आइसक्रीम बिजनेस हो या उसकी बेकरी हो, बट किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो उसकी उसके रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनका बेसिक एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट को हम तभी अर्न हम किसी भी बिजनेस के बारे में ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस बहुत स्मार्ट बिजनेस है या ये बिजनेस है, तो इसकी हम एफिशिएंसी को चेक करेंगे कि क्या एफिशिएंसी है, हर चीज़ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो रहा है। अब कोई भी बिजनेस स्टार्टअप हुआ और उसमें कोई उसके प्रॉपर उसके ना कोई वो हो डॉक्यूमेंट्स हो, ना उसके कोई अच्छे उनके एम्प्लॉयज हो, तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, बिजनेसेस का जो भी ओनरशिप होगा वो हम उसको लीगल फॉर्मेलिटी के बेसिस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
और बिजनेस आपको पता है फुल ऑफ रिस्क होता है, अनसर्टन होता है, और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत मस्ट होती है। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, और किस टाइप का बिजनेस है। तो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन क्या है। ओके, जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन मीन अ पर्सन इज सपोज टू एनरोल हिमसेल्फ विद अ रिकग्नाइज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। एक बंदा किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से अपने आप को रिकग्नाइज करता है या एनरोल करता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के लिए कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो उसके पास उसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, वो एक टीचर है, और वो टीचर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक वो आर्ट टीचर है, लाइक वो सिंगिंग टीचर है, वो इंग्लिश टीचर है, तो उसके पास उस टीचिंग के एकेडमिक टीचिंग के मुताबिक उसके पास वो क्वालिफिकेशन मस्ट होगी। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसकी एफिशिएंसी ये होगी कि वो किस टाइप की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें हम ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, ओनरशिप को हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रोफेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो रिस्क होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। कैपिटल, इसके लिए किसी किस्म की कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। अगर फिर भी उसने कोई अपना ऑफिस खोलना होता है, जैसे कि लॉयर को देख लो, तो लॉयर अपने लिए कोई ऑफिस खोलता है तो उसके लिए मिनिमम उसकी ज़रूरत होती है, ये कैपिटल की ज़रूरत होती है। डॉक्टर को ले लो, टीचर को ले लो, तो उसके नेचर के प्रोफेशन के मुताबिक उनको कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है कि इसका क्या डिफरेंस है बिजनेस से। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई भी बंदा किसी बात पे विलिंग हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करता है, इसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उनको जो क्वालिफिकेशन को ज़रूरत होती है वो उसके बिजनेसेस के मुताबिक उनके क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अब वो किसी का बिजनेस चल रहा है, बैंकिंग अगर तो देख लेंगे, एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो उसमें उसके रिलेटेड जो एम्प्लॉय होगा वो हायर करेगा। आप इंस्टीट्यूट को देख लें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अगर बिजनेस चल रहा है तो हम इसमें टीचर को हायर करेंगे। तो उसके उनका जो क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, उसके मुताबिक हम उनको हायर करेंगे। तो वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। इनका सर्वाइवल के लिए उनको वेज दिया जाता है या सैलरीज दी जाती हैं। इनकी एफिशिएंसी को अगर हम देखेंगे तो हम उसके वर्क को देखेंगे कि वो कितना एफिशिएंट है वर्क के साथ। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी क्रिएट होगी। इसी तरह इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी जॉब को, कि आप किसी की अपनी क्वालिफिकेशन है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इसमें। इंटरेस्ट को या ओनरशिप को हम एक दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। किसी की क्या जॉब होगी और किसी की क्या होगी, तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसी तरह जो एम्प्लॉय होगा उसका रिस्क ऑफ बिजनेस के साथ कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है कि उसको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो एक वेज बेस पे काम कर रहा है, सैलरी बेस पे सैलरीड बंदा है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा ये लास्ट टॉपिक है, उसका मतलब है की स्टेक होल्डर इन बिजनेस। इसका मतलब है कि वो बंदा जिसका बिजनेसेस में कोई इंटरेस्ट हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो, तो इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। जो बिजनेसेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फाइव टाइप के स्टेक होल्डर होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अब यहाँ पे ओनर्स वो होते हैं जो कि वो बंदे जो कि बिजनेसेस के रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप शेयर होल्डर्स को ले लें, तो वो क्या करते हैं कि अपने उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं किसी भी बिजनेस में, और वो उसकी ओनरशिप खरीद लेते हैं, तो उसको हम ओनर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम लोन दिए जाते हैं। अब जो बिजनेसेस होते हैं इनके अपने भी क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे वो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स सेल आउट करते हैं, उनके जो उनका जो क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उनके बेसिस पर उनको शेयर सेल आउट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि शेयर होल्डर के ये क्रेडिटर्स होते हैं।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयज होते हैं. एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या बिजनेस हो गई उनको रन आउट करने के लिए एम्प्लॉयज की ज़रूरत होती है. जैसे कि वहाँ फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती है और ये तमाम बातें मैनेजमेंट से रिलेट करती है कि टॉप मैनेजर होता है, मिडल मैनेजर होता है या जो नीचे के होते हैं वो मैनेजर होते हैं, इसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. तो ये तमाम एम्प्लॉयज से रिलेट करते हैं. फिर हर यो नेक्स्ट है कस्टमर्स. कस्टमर्स वो पर्सन होता है जो कि गुड एंड सर्विसेज को परचेज करता है और इन रिस्पॉन्स वो उनको पेमेंट दी जाती है या कैश होती है. तो ये कस्टमर्स हो गए. अब नेक्स्ट है सप्लायर्स. सप्लायर्स वो बंदे हो गए जो कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिलीवर करते हैं, फ्रॉम वो प्रोडक्शन से लेते हैं और फाइनल कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होम बिल्डर लेते हैं. होम बिल्डर्स क्या कर उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वुड की ज़रूरत है, सीमेंट की, ब्रिक्स की, तो ये क्या करते हैं ये उनको सप्लाई की जाती है. अब क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कॉटन की होगी, मशीन्स की होगी, किसी भी क्लोथ को बनाने के लिए. तो ये सारी एग्जाम्पल हो गई सप्लायर्स की. तो इट्स ऑल अबाउट की स्टेक होल्डर इन बिजनेसेस. सो ये फर्स्ट चैप्टर था. फर्स्ट चैप्टर हमने नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेसेस का पढ़ा है, उसके जो तमाम जो फंक्शन है उसके रिलेटेड पढ़ा है. अच्छा, अगर आपको मेरा लेक्चर यूजफुल लगा हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.